नमस्कार, न्यूज रूम पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कुणाल। राजस्थान में विधानसभा की 199 सीटों के लिए आज मतदान हो रहे हैं। लोगों में वोटिंग के लिए खासा उत्साह भी है। इस बार सभी पार्टियों को मिलाकर 1862 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और राजस्थान के साथ साथ चार अन्य राज्यों के नतीजे 3 दिसंबर को आ जाएंगे। वैसे इस बार खासकर पूरे देश की नजर राजस्थान विधानसभा चुनावों के परिणाम पर है। कहा जा रहा है कि यहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस बार कड़ा मुकाबला है। खैर, सत्ता की चाबी किसके हाथ लगती है ये तो 3 दिसंबर को ही पता लग जाएगा। खैर, आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि राजस्थान में किस उम्मीदवार के पास सबसे कम संपत्ति है। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान पिछले दिनों भी चर्चा में आया था अपने करोड़पति उम्मीदवारों की वजह से। लोगों ने इनके बारे में काफी बात की थी, लेकिन ये सिक्के के एक पहलू हैं। सिक्के के दूसरे तरफ ऐसे भी प्रत्याशी हैं जिनके पास 1 रुपया भी संपत्ति नहीं है। जी हाँ, 1 रुपया भी नहीं। जानकर हैरानी होगी, लेकिन ADR की रिपोर्ट के मुताबिक इन कैंडिडेट्स ने अपने एफिडेविट में यही जानकारी दी है। तो आइए जानते हैं कि ऐसे उम्मीदवारों के बारे में। पहले नंबर पर आते हैं बनवारी लाल शर्मा। बनवारी लाल शर्मा अलवर जिले के थाना गाजी सीट से BSP के प्रत्याशी हैं। इन्होंने अपनी संपत्ति 0 बताई है। वहीं दूसरे नंबर पर हेमंत शर्मा आते हैं। अलवर जिले के बहरोड सीट से चुनाव लड़ रहे इंडियन पीपल्स ग्रीन पार्टी के एडवोकेट हेमंत शर्मा के पास भी 0 संपत्ति है। वहीं तीसरे नंबर पर हैं आजाद समाज पार्टी कांशीराम के बद्रीलाल। झालावाड़ जिले की SC आरक्षित डग सीट से मैदान में हैं। इन्होंने भी अपने एफिडेविट में 0 संपत्ति बताई है। चौथे पर हैं नाहर सिंह, मजदूर किसान अकाली दल के टिकट पर गंगानगर जिले की SC आरक्षित सीट से राय सिंह नगर से नहर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। इनके पास भी कोई संपत्ति नहीं है। पांचवे पर हैं कन्हैया लाल, बीकानेर जिले की नोखा सीट से कन्हैया लाल निर्दलीय ही चुनाव लड़ रहे हैं। इन्होंने भी अपने हलफनामे में 1 भी रुपये की संपत्ति ना होने की बात कही है। छठे पर आते हैं वेद प्रकाश यादव। 1 भी रुपये की संपत्ति ना होने का दावा करने वाले वेद प्रकाश यादव अलवर जिले के मुंडावर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। सातवें और आखिरी हैं पुरुषोत्तम भाटी। पुरुषोत्तम भाटी अजमेर जिले के ब्यावर क्षेत्र से चुनाव मैदान में हैं। इन्होंने भी अपने एफिडेविट में 0 संपत्ति होने का दावा किया है। वहीं आपको ये भी बता दें कि दूसरी ओर कुछ प्रत्याशी ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने हलफनामे में बताया है कि उनके पास केवल 500 रुपये की संपत्ति है। बहुजन शोषित समाज संघर्ष क्षमता पार्टी की कुसुम लता हिंडौन सीट से चुनाव लड़ रही हैं। वहीं बहुजन मुक्ति पार्टी से लाभचंद्र कुमार चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बा हेड़ा क्षेत्र से ताल ठोक रहे हैं। दोनों ने अपने एफिडेविट में बताया है कि उनके पास कुल 500 रुपये की संपत्ति है। तो ये थे कुछ राजस्थान के उम्मीदवार जिनके पास 0 संपत्ति और किसी के पास 500 रुपये की कुल संपत्ति है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।